आजकल जहां मौसमी बीमारियों से अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूषित पानी के कारण पीलिया भी कई घरों में फैल रहा है। सर्वे किया जाए तो सैकड़ों रोगी सरकारी व निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। पीलिया जैसा रोग पर इलाज के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी रोगी का पीलिया नहीं उतरता। कई लोग देशी इलाज करके 3 से 7 दिन में रोगी को खड़ा कर देते हैं। झाड़ा लगाकर पीलिया को उतारना व देशी दवा देकर जानकार इस रोग से छुटकारा दिला देते हैं। ऐसी ही देशी दवा से पीलिया का निशुल्क इलाज करते हैं दुर्गालाल चौधरी। रात हो या दिन, कभी भी रोगी आ जाए उसी समय इसका उपचार कर देते हैं। अस्पतालों में भर्ती रोगियों के भी ये पीलिया झाड़ना जानते हैं। चौधरी के घर हनुमान बस्ती में भी सुबह से पीलिया रोगी आने शुरू हो जाते हैं और सुबह 8:30 बजे से चंबल गार्डन के पास रोगियों का पीलिया झाड़ते हैं। ये रामबाण बूटी की माला बनाकर रोगियों को पहनाते हैं। ये माला शाम होते होते अपने आप लंबी हो जाती है। इनके पास अहमदाबाद, दिल्ली व राजस्थान के अन्य जिलों से रोगी आते हैं। हमारी टीम ने यहाँ आए पीलिया रोगियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि रुपए खर्च करने के बाद भी इस रोग से छुटकारा नहीं मिला। किसी ने यहाँ के बारे में बताया तो अब पूर्ण आराम है। पीलिया रोग का देशी उपचार कर रहे चौधरी ने बताया कि रामबाण बूटी को जंगल से ढूंढ कर लाना पड़ता है, फिर उसके टुकड़े कर लच्छे में बांध कर माला बनाकर प्रतिदिन रोगी को पहनाते हैं। कई आदमियों का यहाँ पर पीलिया मिट चुका और ये दुर्गालाल जी झाड़ते हैं और मैं माला बनाता हूँ और फिर उस माला को मंत्री जाती है हनुमान जी के नाम से मंत्रों द्वारा और फिर आदमियों का झाड़ा लगाते हैं और फिर माला बांधते हैं। उससे कई आदमियों का 35 पॉइंट तक पीलिया मतलब ख़त्म हो जाता है। यहाँ 3-4 रोज में उस पीलिया को हम मेट देते हैं। ये आप लाते कहाँ से हैं? ये बूटी जंगल से लानी पड़ती है। जंगल से लाके इसके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं आधा आधा इंच के और उन्हें फिर धागे से ऐसे लच्छे से उन्हें बुनते हैं तो हमारे हिसाब से ही बनाते हैं उसको। नहीं तो वैसे तो 21 लकड़ी 22 लकड़ी ऐसे बना के और टोटल से बनाई जाती है, लेकिन हम तो हमारा इशारा चलता है उसी इशारे पे भाई आईटी लेवल आ गई इसके उसी काट के और फिर रख देते हैं तो बहुत सारी हो जाती है। फिर उन्हें पानी में भिगो के और केले में रख लेते हैं और उसमें से काट काट के और बांधते जाते हैं। मेरे करीब ये समझ लो कि 24,000 रुपये करीब मैंने केले में लगा देते। अच्छा, उसके बाद भी 1-2 क्वांटिटी डाउन हुआ। उसके बाद में मैं इनसे मिला, किसी ने बताया कि वहाँ रिटर्न मॉल रस्ते में उनसे मिला तो मैं गया। 3 दिन तक झाड़ा दिलाया, 6 दिन की दवाई ली इनसे। दवाई लेने के बाद में इन्होंने 7वें दिन मुझे तेल घी की खाना खाने के लिए बोल दिया कि आप चाहो ये खा सकते हो। अब पूर्ण रूप से मुझे आराम मिला उसके बाद। जल्दी आराम के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, खूब सारे पैसे लग गए वहाँ पर, 10-12 हज़ार रुपये बर्बादी हुई और पैसे समय का भी बर्बादी हुई और आखिरी में डॉक्टरों ने कुछ भी नतीजा नहीं निकाला और मैं पागल होने लग गया, उसमें कोमा में जाने लग गया। तो ये डॉक्टर इन्होंने महाराज जी ने वहाँ पे ही आके ठीक करा मुझे और 3 दिन के अंदर खड़ा कर दिया। नाम बताओ आप? हरिओम शर्मा। और क्या इलाज चल रहा है आपका? मैं जयपुर में सांगानेर के पास में गोविंदपुरा है वहाँ रहता हूँ। सीवीडिंग कंपनी में काम करता हूँ। और मेरी तबीयत खराब हुई थी 12 तारीख को, जब से मुझे बुखार चढ़ने लगा खूब डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर दोका को और बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया बढ़िया बढ़िया प्राइवेट को, लेकिन 4,500-4,000 रुपये करीबन वहाँ बिगाड़ बिगुड़ गए। और फिर बड़े भैया ने मेरे को फ़ोन किया, बोला तू वहाँ पैसे बिगाड़ रहा है जिसके बजाय यहाँ आ जा। तो मैं यहाँ आया, आज मेरे को 4th दिन है, मतलब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। अब वो पहले वाली बात ही नहीं है, मतलब जिस दिन मेरे को लाए थे उस दिन ट्रेन में पटक के दूसरे आदमी लेके आए थे, आज मैं खुद अपने खड़ा रह रहा हूँ। तो ये ऐसा काम करती है, इसमें भी ऐसी शक्ति है हनुमान जी की जो उसे पीलिया जैसे मंत्र के बांधते तो धीरे 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 नीचे आ जाती है और पीलिया चढ़ता जाता है। जिसको कम होता है
तो 3 दिन में उतर जाता है और ज़्यादा हो जो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। तो क्या कुछ परहेज वगैरह भी बताते हैं? परहेज तेल खटाई हल्दी बेसन कचौड़ी पकौड़ी ये पीला में नहीं खाना पड़ता, चावल आलू बैंगन इसे क्या गैस बन जाता है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं होती लोगों को? हाँ, फिर यहाँ आने के बाद में तो नहीं पड़ती जरूरत, यहाँ आने के बाद तो ठीक हो के जाता है। और किस तरह का इलाज करते हैं आप? और कुछ पत्री का भी हो, पत्री सामने की पत्री और टाइटफाइड या अन्य बीमारी लिकोरिया हुआ और किसी को ब्लड नहीं रुक रहा हो तो वो ब्लड की भी देते हैं। तो ये कहाँ से मिला आपको, ये ज्ञान कहाँ से मिला? ये क्या हुआ, एक बार मेरे को 30-35 साल के पहले मेरे खुद के पीला हुआ था, तो मैं कभी भटका इधर उधर पूछता फरा, जैसे बार लोग यहाँ आते हैं ना इस तरह मैं भी भटका। तो फिर यहाँ एक इंद्रगढ़ का कोई उस्ताद था ये पीला का, तो किसी ने बताया, मैं वहाँ गया, वहाँ जाते फिर उसको बताया, फिर उन्होंने 3 दिन में पीला साफ कर दिया मेरा। फिर उस रोज से मेरी ऐसी लगन लगी वो या गुरु जी मेरे को भी ये दो जो मैं निःशुल्क सेवा और ये धर्म का काम करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने 2-3 महीना के बाद में वो राजी हुए, राजी होने के बाद में बताया जब से मैं निःशुल्क सेवा करता आ रहा हूँ और भगवान की कृपा से सबका सही होता जा रहा है। कितने लोग आ जाते हैं आपके पास? यहाँ 1500 रोज आ जाते हैं सुबह से लेकर। कब तक क्या टाइमिंग रहता है आपको? सुबह 7:30 से 8 बजे तक तो यहाँ गार्डन में देखता हूँ और सुबह 6 बजे से और 8 बजे तक घर देखता हूँ, फिर 5 बजे से 9 बजे तक घर देखता हूँ।